आज के व्लॉग में सुबह सुबह उठकर मुझे नाश्ता बनाना पड़ गया है, तो आप पूरी देख सकते हैं। नाश्ते में मैंने पराठे वगैरह पकाए और पराठे मुझसे जल भी गए थे। बाहर जो है कचरे वाला आ गया था और उसके पास जाना पड़ा मुझे कचरा देने, तो वापस आया तो पराठा जल गया। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, मैं हूँ नबील खान और आप देख रहे हैं महत खान ब्लॉगिंग। सुबह हो गई है और अभी जो है नाश्ता खुद बनाना पड़ रहा है। आज संडे, अभी मैं आया हूँ इधर नाश्ता पकाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाई है और उसके नीचे फिर स्टोव ऑन किया है, और उसके बाद फिर मैंने जो तवा होता है पराठों के लिए उसके नीचे भी स्टोव ऑन कर दिया और थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसके बाद पराठा रख दी उसके ऊपर। ये फ्रोज़न पराठे होते हैं वो थे। तो फिर चाय में दूध डाला और उसके बाद पराठा मुझसे जल गया था क्योंकि मैं गया था कचरे वाले के लिए कचरा देने उसको। और फिर मैंने अंडे पकाए, हाफ फ्राई पकाने के चक्कर में जल्दी टूट गई अंडे की। तो उसके बाद फिर सारा नाश्ता रेडी हो गया था और मैंने प्लेट्स में नाश्ता वगैरह डाला, अंडे पराठे और चाय वगैरह। और तो ये नाश्ता मैंने रेडी कर लिया है, दो पराठे और दो ऑमलेट बना लिए हैं। इसमें डालते हैं थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। तो चाय रेडी हो गई है, अभी इसको डाल लेते हैं हम प्यालियों में। नाश्ता वाश्ता कर लिया, खा लिया सबने। और बाइक मेरी जो है उसकी एक्सीलेटर की वायर उस दिन टूट गई है या पता नहीं अंदर से निकल गई है, तो वो अभी बनाते हैं उसको, ठीक करते हैं बाइक को। और उसके बाद फिर जाएंगे हम बाहर, कुछ सामान ख़रीदना है और कुछ देखेंगे क्या खाते हैं रास्ते में, जो भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे। ठीक है, तो अभी बाइक ठीक करते हैं। तो मैं अभी इसकी एक्सीलेटर की वायर को खोल रहा हूँ ताकि इसकी एक्सीलेटर वायर ठीक करते हैं। तो ये अभी मैंने खोल दिया है और निकाल के दिखाते हैं, ये खुल गया। तो ये वायर टूटी हुई है, तो पहले बाहर जाके वायर लानी पड़ेगी। इसका मतलब मैं ऐसे करता हूँ, छोटे भाई से मंगवा लेता हूँ वायर और फिर इसकी वायर लगाएंगे। वायर लगाने के बाद फिर बाइक बाहर निकालेंगे, ये वायर टूट चुकी है। तो अभी इसकी बाइक की वायर टूटी हुई है एक्सीलेटर की, तो वो वायर मंगवा लेता हूँ छोटे भाई से, वो ले आएगा। तो फिर वायर लगा के उसके बाद बाइक को स्टार्ट करेंगे। फिर मैं खुद भी ड्रेस वगैरह चेंज करूँगा, रेडी होऊंगा और नहा धो के फिर चलेंगे हम बाहर। मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने और ड्रेस चेंज करके नहा धो के फिर आते हैं वापस, फिर आपसे मिलते हैं, फिर जाएंगे बाहर कुछ खाने पीने, याशी मारने। तो देखते हैं बाहर मरसद क्या होता है। पहले तो एक चीज़ सुबह सुबह नाश्ता बनाना पड़ गया मुझे, वो मैंने बनाया, घर वालों को खिलाया, चाय वाय भी बनाई, खुद भी खाई भी। और उसके बाद अभी बाइक चेक करी है, तो बाइक जो है उसकी वायर टूटी हुई एक्सीलेटर, तो छोटे भाई भाई जो है उनको भेजा हुआ है, वो पूरी केबल लेके आ रहे हैं और फिर मैं केबल डाल दूंगा। तो उसके बाद जो है फिर जाएंगे बाइक लेके, बाइक चलने काबिल होगी तो लेके जाएंगे ना, तो इसलिए पहले बाइक को ठीक करते हैं और ख़ुद भी अपने आप को भी ठीक करते हैं, अपना हुलिया ठीक करते हैं। ये देखें, ये नाइट ड्रेस में घूम रहा हूँ मैं अभी तक। तो मिलते हैं फिर फ्रेश होके रेडी होने के बाद। तो मैं तैयार होके रेडी हो चुका हूँ और अभी चलते हैं हम लोग नीचे, मोटरसाइकिल अपनी बनाते हैं, सेट करते हैं, उसकी एक्सीलेटर वायर आ चुकी है वो डाल देते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं बाहर। तो ये मैंने न्यू एक्सीलेटर वायर लगा दी है। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, बाइक भी रेडी कर ली है और अभी बाइक निकालते हैं बाहर। तो ये हमारे खरगोशों ने आज बच्चे दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चे भी। तो अभी मैं गया फिर सामान लेने बाइक निकालने के बाद, और भूख लग रही थी बहुत, खाने का दिल कर रहा था कुछ, तो उसी चाचा के पास जाकर मैंने फिर से फ्राइज ले ली उनसे, बड़ी मज़े की फ्राइज होती है उनकी, तो मसाला तेज रखवाया और चटनी डलवा के फ्राइज खाई। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं ये D11 पे, आप देख सकते हैं, और D11 ये हमारा मेहरान टाउन में लगता है। यहाँ पे हम उसी चिप्स वाले डेले पे वापस आए हैं फिर से, और ये भाई से फ्राइज खाने आए हैं अभी, देख सकते हैं आप।
मैंने तेल गरम करने को लगा दिया है और फिर से चिप्स तैयार कर रहे हैं हमारे लिए गर्मा गर्म पहले की तरह। और आज ये छोटा बच्चा है ये बना रहा है हमारे लिए। आज अंकल जो है ना चाचा जो होते हैं वो आज नहीं है, तो अभी डाल दिए हमने चिप्स। रेडी हो गई है हमारी, ज़बरदस्त करके इसको मसाला वगैरह डलवा दिया है और अभी चिप्स खा लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी हम चिप्स खा लिए हमने और ये हम आए मेहर स्वीट बेकर्स पर और आप देख सकते हैं ये लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ। ये इनकी बेकरी है, बेकरी के मालिक हैं और ये अभी हम बेकरी में इंटर होने लगे हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए आए बेकरी में। यह है मेहर स्वीट बेकर्स मेहरान टाउन की 11 पे, आप भी आ सकते हैं यहाँ पे विज़िट करने। और अभी हम लेंगे इस फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर देख लेते हैं। तो भाई ये पाकोला पसंद आई है हमें। ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, तो ये हमने पाकोला मुझे पसंद है। तो ये अभी देख सकते हैं इनके पास हर किस्म की मिठाइयाँ भी हैं और मैं अक्सर लेके जाता रहता हूँ इनसे मिठाइयाँ। बड़ी वी आई पी होती हैं। ये मेहरान टाउन जी 11 पे है, नए स्वीट के नाम से बेकरी है। इनकी क्वालिटी हर चीज़ बेहतरीन होती है। ये भाई है इधर, ये हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव बंदे हैं हर चीज़ में और इनकी बेकरी है, ये आप आ सकते हैं। तो अभी हमने पाकोला की बोतल ले ली है और इसकी जो है ना हम पेमेंट दे रहे हैं इनको। ये मुझे पसंद है तो मैंने अपने लिए दिया। चल बोला तो अभी हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं यहीं पर, क्योंकि बाहर जो है ना फ्रेश बहुत है। तो फिर बाइक निकालेंगे और वहीं से फिर दूध लेना है एक दुकान से, वो दूध वगैरह लेंगे। आपको मैंने कहा था ना बातचीत में काम करने, तो दूध वगैरह लेंगे और फिर वहाँ से घर चलेंगे। तो मैं दूध वाली दुकान पर पहुँच गया था और दूध वाली दुकान पर जो है कैमरा अलाउ नहीं था, तो छोटे भाई ने बैक कैमरे से थोड़ा सा शूट कर दिया था, तो यहाँ से मैंने दूध परचेज़ कर दिया। तो अभी हम चलते हैं घर वापस। वापस घर की तरफ जा रहे हैं और घर जाकर दूध वगैरह पहुँचा कर उसके बाद फिर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।